7 न्यूज और लगातार ग्रामीण विकास मुहिम की समस्या उठाते हुए आज हम पहुंचे कादराबादी जानने के लिए कि यहाँ पर समस्या क्या क्या है। हमारे साथ प्रधान पति जो हमें बताएंगे गांव की समस्या के बारे में। पानी तो दूषित है हमारे यहाँ पे, कोई ज़्यादा सही पानी नहीं है यहाँ पे, नई रास्ते से। हाँ, वैसे कुछ समस्याएं हैं जो हम धीरे धीरे उन्हें करा रहे हैं काम, जो पहले समस्या थी वो अब कम होती जा रही है। अभी तो हमारे यहाँ पे जो है पहले कभी एक तालाब से था उसका कब्जा हुआ था, लेकिन अब फिलहाल कोई कब्जा नहीं है उनका। जो नाला है बम्बे के शहर नीचे, हाँ उसकी सफाई कराई सर हमने। सर हमारे यहाँ पे पानी का निकासी है, जब से हमने यहाँ पे गांव में सफाई कराई है, नालों नाली की सफाई कराई है, वो आपके तालाब की सफाई करें, जब से निकासी बढ़िया हमारे यहाँ। नहीं सर, हमारे यहाँ पे टीचर और ये सही टाइम पर आ रहे हैं और सही टाइम पर आपने पढ़ाई भी ठीक करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत, आपकी देख रेख जी। सर हमने उसमें सफाई कराई है, खड़ंजे वगैरह लगा रहे हैं, खड़ंजे का मतलब इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, उसमें करा रहे हैं। हमारे यहाँ पे फिलहाल तो अभी एक ही जगह काम चल रहा है, उधर लैंड के नीचे बस्ती है उसमें काम चला रखा है हमने, अभी चल रहा है वहाँ पर। और अब आपके आंगनवाड़ी और ये जूनियर हाई स्कूल में, इसमें प्राइमरी में जो काम करवा रहे हैं, ये सोलर लाइट हमने 25 सोलर लाइट लगवाई हैं और जी आपकी इसको लाइट हमने ये लाइट वाली लगवाई है। सर अभी हमने कोई शौचालय नहीं बनवाया है, लेकिन हम उनका फार्म वगैरह भर गए हैं, मतलब उनका आंगनवाड़ी वाले को काम दिया है, वो सर्वे करके हमें दे देंगे और काम शुरू करा देंगे। अभी कोई लाभ नहीं मिला है, वैसे साइकिल के लाभ हमें मिलने वाला है, साइकिल के फॉर्म भराए थे हमने और जी तकरीबन ये 105 फॉर्म है हमारे, तो वो 105 को शायद। मैं ग्राम प्रधान सुनीता कादराबाद सभी देशवासी को, अपने गांव वासी को 9 वर्ष हार्दिक शुभकामना देती हूँ।